वीडियो साहब किसको गाली दिए हैं? मेरे को। अच्छा, किस बात को लेकर के आपको गाली दिए? मैं बोला कि जन्मतिथि बनाने पैसा लगा के बोलेगा गाली दे रहे थे। अच्छा अच्छा, वीडियो साहब से आप मतलब अपना बात रखे, वीडियो साहब आपको गाली देने लगे। अच्छा, और क्या बोले आपको? आपको गाली में क्या चीज, किस भाषा का यूज किया आपके साथ? भोसड़ा ऐसी गाली दी है। अच्छा, वो क्या बोले? सीओ साहब बोलते हैं कि हमारे पास इस काम के लिए मत आइए, अब बताइए कि दाखिल खारिज के काम के लिए, खाता प्लॉट चढ़वाने के लिए सीओ साहब के पास नहीं जाएं तो किसके पास जाएं? हैं, आज भी मैं इस बात को रखा तो हम पर केस करने की, FIR करने की धमकी दे रहे हैं। डायरेक्ट पर गए थे, पाँच गो खाता आगे 5,000 रुपया मांगा जा रहा है कर्मचारी हमारे सुजीत सिन्हा के आधार पर, हमने कम्प्लेन किया है, आज तक हमारा कोई मैंने खाता अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ ब्लॉक कर्मचारी के द्वारा आपसे 5,000 रुपया मांगा गया है। अच्छा, हम DM साहब से मांगे हैं कि 5,000 रुपया दीजिए उनको जल्दी हमारा काम कराने के लिए। यहाँ जो लेडीज कर्मचारी है सुची सिन्हा, इस पर बार बार हर लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं उन पे? घूस मांगती है और घूस देने के बाद भी काम नहीं करती है, रंगदारी करते हुए केस करने का धमकी देती है। अच्छा, इसके बाद एक आदमी हमसे कहा कि 500 रुपया प्लॉट पर लगता है चढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से मैंने 500 रुपया उसको दिया। अच्छा, ब्लॉक पे? हाँ। किसको दिए थे पैसा ब्लॉक पे? एक उसी के माध्यम से, उसी से मिला जुला दलाल है। अच्छा, उसी के दिए जो उसे हर रोज बात होता है, उसका मोबाइल चेक किया जाए तो तुरंत पता चला जाएगा कि मतलब उसे क्या रोज बात होता है। अच्छा, स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल न्यूज सुपर 7 के साथ। हम आए हैं आज पंचायत सरकार भवन आलमपुर पे, जो कि DM द्वारा चलाया गया जन कल्याण शिविर आज यहाँ पे था, जो कि बहुत यहाँ पे हाला गुला हुआ है। आपके बीच मतलब वीडियो साहब किसको गाली दिए हैं? मेरे को। अच्छा, किस बात को लेकर के आपको गाली दिए? मैं बोला कि जन्मतिथि बनाने पैसा लगा के बोलेगा गाली दे रहे थे। अच्छा अच्छा, वीडियो साहब से आप मतलब अपना बात रखे, वीडियो साहब आपको गाली देने लगे। अच्छा, और क्या बोले आपको? आपको गाली में क्या चीज, किस भाषा का यूज किया आपके साथ? भोसड़ा ऐसी गाली दी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तमाम आदमी यहाँ पे जुटे हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा। आपका नाम क्या हुआ? शिव नारायण चौधरी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो BDO सर हैं वो डायरेक्ट इनको गाली के द्वारा संबोधित करते हुए इनको डायरेक्ट गाली दिए हैं। आप समस्या क्या चीज़ रखे थे BDO सर के पास? मैं ये बोला जन्मतिथि बनाने पैसा लग रहा है। अच्छा, ये चीज़ के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम कमख्या नारायण सिंह है। आप किस समस्या को लेकर के आए हैं? सर, देख लीजिए मेरे हाथों में रसीद है। अच्छा, इसका दाखिल खारिज पहले से हुआ है प्लॉट नंबर चढ़वाने के लिए, इस पर मैं दौड़ रहा हूँ, प्लॉट नंबर छूट गया है। आप ब्लॉक पे गए थे? ब्लॉक पर 3-4 बार गए है ना, मेरा लड़का भी करीब करीब 8-10 बार गया, 2,500-3,000 रुपये मेरा गाड़ी भाड़ा बर्बाद हो गया जाने में, दौड़ने में। उसके बाद एक आदमी हमसे कहा कि 500 रुपया प्लॉट पर लगता है चढ़ाने के लिए, उसके माध्यम से मैंने 500 रुपया उसको दिया। अच्छा, ब्लॉक पे? हाँ। किसको दिए थे पैसा ब्लॉक पे? एक उसी के माध्यम से, उसी से मिला जुला दलाल है। अच्छा, उसी के दिए जो उसे हर रोज बात होता है, उसका मोबाइल चेक किया जाए तो तुरंत पता चला जाएगा कि मतलब उसे क्या रोज बात होता है। अच्छा, आप पैसा दिए थे ब्लॉक पे, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पाया ब्लॉक पे। बावजूद भी मैं दौड़ दौड़ कर जाता हूँ, CO साहब के पास भी गया, DCLR के ऑफिस में जाकर के बोला, सामने ब्लॉक पे CO साहब क्या बोले आपसे? आप ये जो समस्या लेकर गए वहाँ पे CO साहब आपको क्या बोले? CO साहब बोलते हैं कि हमारे पास इस काम के लिए मत आइए, अब बताइए कि दाखिल खारिज के काम के लिए, खाता प्लॉट चढ़वाने के लिए CO साहब के पास नहीं जाए तो किसके पास जाए? हैं, ये जो अपना समस्या लेकर गए थे आप, तो डायरेक्ट CO साहब बोल रहे हैं कि आप इस काम को हमारे पास मत लेकर के आइए। CO साहब बोले कि हम ये काम नहीं करते हैं। अभी आज भी मैं इस बात को रखा तो हम पर केस करने की, FIR करने की धमकी दे रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पे CO साहब के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? कमख्या नारायण सिंह के द्वारा कि हम CO साहब के पास गए थे और BDO साहब के पास गए थे अपना समस्या लेकर के, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इस समस्या का कोई निदान ही नहीं है। बार बार इस कर्मचारी पर आरोप लगाया जा रहा है, जो लेडीज कर्मचारी है सुची सिन्हा, इस पर बार बार हर लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं उनपे? घूस मांगती है और घूस देने के बाद भी काम नहीं करती है, रंगदारी करते हुए केस करने का धमकी देती है। अच्छा, ये मतलब पैसा मांगती है, पैसा लेकर भी काम नहीं करती है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, CO, BDO,
यहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसा लेकर के भी काम नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ पे हंगामा भी हुआ है इसी चीज़ को लेकर के। एक व्यक्ति अपना बात रखे कि पैसा लेकर के भी काम नहीं होता है, पैसा लेकर उसके बाद में वीडियो साहब अभद्र गाली का मतलब इस्तेमाल करते हुए उनको गाली दिए, और यहाँ पे तमाम ग्रामीण जनता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि एक भी काम यहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा है, और हम लोग कोई बात रख रहे हैं पदाधिकारी के पास तो वहाँ पे डायरेक्ट गाली दे करके संबोधित किया जा रहा है हम लोगों को। ये आपका क्या समस्या है सर? हमारा छगिल चाहिए 5 किलो हमारे का अनाज मिलेगा, तो 5 किलो अनाज में हम क्या करें? आप गए थे ब्लॉक पे, गए थे तो ब्लॉक पे क्या बोला? क्या बोला चाहिए आपको? कम हो जाएगा? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक विकलांग व्यक्ति हैं जो कि आरोप लगा रहे हैं कि ब्लॉक पे गए थे लेकिन इनका ब्लॉक पे कुछ भी काम नहीं हुआ। आपका क्या नाम हुआ? हमारा लक्ष्मण नाम हुआ। क्या समस्या आपका, क्या समस्या? समस्या है कि वार्ड 5 को हमारा 13,000 रुपया लेकर के 2 बरस ले हम सूद भरता है, हमारे पुरनी कहे कि तुरंत दो तो हम खखन में दे दिया कि हमारे भाई हो जाए, हमारा घर द्वार नहीं थे और नहीं दिया। अच्छा, अभी आपका कॉलोनी नहीं मिला? ना, अभी नहीं मिला। हाँ, बोलिए आपका नाम? हमारा नाम गोपाल सिंह है। अच्छा, ग्राम समस्या को लेकर क्या है यहाँ पे? समस्या तो यहाँ पे बहुत है सर। क्या बोलिए, क्या समस्या है? किसी का खाता चला है तो किसी का खसरा नहीं चला है, तो किसी का पूरा जमाबंदी तक नहीं हुआ है ना। ब्लॉक पे गए थे? हाँ, ब्लॉक पे गए थे। 5 खाता आके 5,000 रुपया मांगा जा रहा है कर्मचारी हमारे सुजीत सिन्हा के आधार पर, हमने कंप्लेन किया है, आज तक ले हमारा कोई माने खाता अभी तक ले पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ ब्लॉक कर्मचारी के द्वारा आपसे 5,000 रुपया मांगा गया है। अच्छा, हम DM साहब से मांगे हैं कि 5,000 रुपया दीजिए उनको जल्दी हमारा काम कराने के लिए। यहाँ पे डायरेक्ट आरोप लगाते हुए जो भी BDO CO कर्मचारी हैं कि हम लोग किसी काम को लेकर के जाते हैं डायरेक्ट पैसा का पहले डिमांड किया जाता है, पैसा देने के बाद में काम होता है? नहीं, पैसा देने के बाद भी काम नहीं होता है। ब्लॉक पे आप गए थे? ब्लॉक पर बिश्नोहाली गए थे। ब्लॉक पे जाने के बाद भी डायरेक्ट आरोप लगाते हुए यहाँ पे किसी के द्वारा ये नहीं बोला गया कि BDO CO कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं, काम किए हैं। डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है कि कोई भी BDO CO कर्मचारी कोई भी हो, पैसा लेकर के भी यहाँ पे काम नहीं किया जाता है। बोलिए क्या? कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया जाता है, न उसको नोटिस दिया जाता है। अपने से मोबाइल पर, सब कोई मोबाइल चलाने वाला नहीं ना है ना, कि मोबाइल पर देख लिया क्या मैसेज आया है, उसका दाखिल खारिज तक रोक दिया जाता है, अश्लील दाखिल खारिज रोक दिया जाता है, आप घूस लेकर के नाराज कर दिया जाता है। सूचना को लेकर के भी बहुत ग्रामीण लोग यहाँ पे नाराज दिखाई दे रहे हैं। बता सकते हैं, बोल सकते हैं किस समस्या को लेकर के आए हैं आप? हम लोग समस्या लेके आए हैं ना कि हम लोग का घर द्वार नहीं है, मुखिया सरपंच कोई कुछ नहीं करता है, ना ही लोग के ही आदमी जब जुटल हो तो ना जानकारी दे लेन कि हाँ हई सामान खाते आदमी आवत हो जाते हैं। जानकारी को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जानकारी को लेकर के सबसे यहाँ जितने भी ग्रामीण लोग हैं सभी लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो DM द्वारा जन कल्याण शिविर लगाया गया है इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है कि यहाँ पे DM द्वारा पंचायत सरकार भवन पे आलमपुर की DM द्वारा जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अपना समस्या लेकर के आए, समस्या लेकर के आने के बाद भी यहाँ पे लोगों को गाली सुनने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर के भी काम नहीं किया जाता है। मुखिया सरपंच के घर द्वार बनल जाता है, वोट ले खाती हाथ जोड़ तन आदमी, और कभी हाथ नहीं खंजोड़ के हे जाके काम लागल बताइए हाथ जोड़ के तनी कह दे। ब्लॉक पे गई थी आप? ना, ब्लॉक हमने के नहीं जाई। तो ब्लॉक पे शिवसागर जाइए, शिवसागर जाइए ब्लॉक पे। अरे जाए तो पैसा लेता बना नहीं, गरीब आदमी के खाए के ठिकाने नहीं, के तो पैसा कहां। तमाम आरोप लगाते हुए आप कुछ कहेंगे, किस समस्या को लेकर के आए? जमीन के लिए। जमीन का क्या समस्या आपका? ऑनलाइन पर्चा घर नहीं है। अच्छा, ब्लॉक पे गए थे? हाँ, गए थे। ब्लॉक पे क्या बोले? बोले कि क्या कहला कि कुछ खिलाइए पिलाइए तब न चगेगा। अच्छा, आपको भी बोले खिलाइए पिलाइए? हाँ, खिलाइए पिलाइए तब न। ये जो मैडम है सी अतु कर्मचारी यही बोली है। अच्छा, खिलाइए पिलाने के बाद CEO साहब के आने के बाद में ये लोग कह रहा है कि कर्मचारी के यहाँ जाइए, कर्मचारी कह रहा है कि CEO के पास जाइए, हम लोग किसके पास जाएं? तमाम यहाँ पे जो जनता है वो बोल रहे हैं कि एक दूसरे के पास घुमाते हुए परेशान किया जा रहा है, ना काम किया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है, ऐसा यहाँ के ग्रामीण जनता बोल रहे हैं। ग्रामीण जनता आवाज़ उठा रहे हैं, BDO CO
और जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं सब पैसा को लेकर के यहाँ पे पैसा लेते भी हैं तो भी काम नहीं करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आपकी क्या समस्या? अरे मेरा 11 वार्ड का नल जल जब से हम जीते हैं तब से हमको नहीं मिला चलाने के लिए। आप ब्लॉक पे गए थे? बहुत बार कागज दिए, सब फेंक दिए, आजो भी दिए हैं। अच्छा, आज यहाँ पे जन, जो जन कल्याण शिविर लगाया गया डीएम के द्वारा, यहाँ पे आप अपना बात रखे हैं? जी रखे हैं, लेटर भी दिए हैं, रिसीविंग भी लिए हैं। अब देखिए इसका आगे क्या हो रहा है। आज तक जो नल जल योजना है, किस वार्ड में है आपका? 11 वार्ड का नल जल योजना जो है आज तक चालू नहीं हुआ है, आज तक बंद पड़ा हुआ है। आप समस्या अपना रख दिए यहाँ पे? एकदम रख दिए हैं। जो हम लुका रहे हैं तो हमारा पानी जनता को नहीं मिल रहा है, जनता पानी मांग रहा है, सब गरीब है। ये कृष्णा कुमार हैं जो 11 नंबर के वार्ड हैं, ये डायरेक्ट आरोप लगाते हुए कि हमारा जो नल जल का पानी है वो जो ग्रामीण जनता हैं उनके पास नहीं पहुंच रहा है, ना आज तक चालू किया गया है। सब लोग हम लोग हमको बोलता है तो आप जीत कर बंद करा दिए, हम कह रहे थे नहीं हमारा खुशी है अगर चालू। पदाधिकारी से मिले थे ब्लॉक पे? एकदम मिले थे, मुखिया जी से मिले थे। तो क्या बोले मुखिया जी, पदाधिकारी क्या बोल रहे हैं? तो होगा होगा, चालू होगा, घबराइए मत। आज एकदम दिया गया है, पूर्व मुखिया को लगाकर, ग्राम सेवक को लगाकर लेटर दिए हैं, पीएचडी विभाग को, जेई साहब को बोले हैं तो बस चालू होगा। समस्या है, गरीब है हम, न हमारे कोल्ली है, न राशन कार्ड है, न घर में खेत है, न घर में खाए के रहे, सब भीख मांग के खाते। राशन कार्ड को लेकर के आप ब्लॉक पे गई थी? नहीं, ब्लॉक पे नहीं। हम तो क्या दिक्कत है, राशन कार्ड क्यों नहीं बनाया आपका? राशन कार्ड मिलता है तो सब परिवार के मानी मिलते हैं, वही में कम देते हैं, बेसी देते हैं, खाते हैं। तमाम ग्रामीण जनता जो है यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं वो भी आरोप लगा रही हैं कि जो भी समस्या है उनका हल नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री योजना से 3 डिसमिल जमीन का उनके गरीब के मिले के बाद वो भी नहीं मिलत, 3 डिसमिल लिखे मिलत, जौन की कहला की कई ब्लॉक पर कहला की वीडियो से, सीओ से, कर्मचारी से, कर्मचारी नहीं जानते हैं कि किसको पास जमीन है। कर्मचारी बिरसारी कागज है, कर्मचारी नहीं जानते हैं, कर्मचारी क्यों नहीं लिखकर दे देते कि फलना की जमीन नहीं है। तमाम जो सरकारी, हम लोग 60 गो परिवार हैं, 60 गो परिवार एक कट्ठा जमीन में रह सकते हैं गांव में। हम लोग 60 गो परिवार हैं, हमारा बाबू 3 गो हैं, 3 बाबू के बीच में एक कट्ठा जमीन है गाँव में, 60 गो परिवार कहाँ रहेगा? 60 गो परिवार कहाँ रहेगा? 15 वार्ड में कचरत हमारा घर है, कचरत हमारा घर है, 15 वार्ड में घर पड़ता है, 60 गो परिवार हम एक कट्ठा में रहते हैं, कहाँ सब आदमी रहते हैं जो यहाँ पे। नाम क्या हुआ आपका? बसगीत राम। यहाँ पे आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं, कितने दिन से दौड़ रहे हैं ब्लॉक पे? 6 महीना से जब दौड़ रहे हैं, 6 महीना से ब्लॉक पे इनको दौड़ते हुए हो गया, लेकिन आपका कोई निदान नहीं? कोई निदान नहीं हुआ, ब्लॉक स्तर से कोई निदान नहीं निकल पाया है। यहाँ पे जितने भी तमाम ग्रामीण लोग हैं काफी नाखुश दिखाई दे रहे हैं। बोलिए बोलिए आपका। जेकरा रोपे बा ओकरे धन संपत्ति बा, हमनी के गांव में घर बने, सिवान में खेत बसर, कुछो नहीं के बाढ़ होता तो हमके चल जत जब नदी के किनारे बके जई ना, हमनी के का हम के बा के गांव में रह जे। समस्या लेकर वीडियो साहब के पास गई थी? हां कोई नहीं, हमनी के कोई कुल कागज लिख देले हैं, कुल वार्ड आ मुखिया सरपंच कोई कहता के नहीं के चिन्ह तो यानी के कहां के हो जा तो यानी जाननी, हमनी के हर साल के ये बात बा जाननी। यहां पे आरोप लगाते हुए यहाँ पे आरोप लगाते हुए जितने भी मुखिया सरपंच वार्ड हैं इनके द्वारा भी कुछ कोई कार्य नहीं किया जाता है। हाँ बोलिए बोलिए। जाते हैं जाते 20,000 रुपया दीजिए, वो कॉलोनी दीवा दीजिए, बस जा पैसा लेके काम कर, हमारे पैसा लेके दीजिए 20,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आरोप लगाए गए, यहाँ पे एक जो भी कर्मचारी ब्लॉक स्तर से हैं उन पे डायरेक्ट आरोप लगाया गया है। यहाँ पे हाला गुला भी हुआ है,